ਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਨਾਇਕ ਪਾਟਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾ ਵੜੈ 'ਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ, ਲਤੂਰ ਤੋਂ ਵਿਨਾਇਕ ਪਾਟਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ। ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ। नमस्कार जी सबको। भाइयों, मेरा नाम विनायकराव पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। लोग कहते हैं दुनिया में कि सिर्फ आंदोलन हरियाणा और पंजाब का है, कौन कहता है नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है। आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप सबको देश के किसानों की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपका सबका काम बहुत बड़ा है, आप सब हमारे लिए, पूरे देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों, मैं जिस जिले से आया हूं वो लातूर जिला है। लातूर जिले में पानी नहीं है पीने को। लातूर जिले को ट्रेन से पानी लाना पड़ता है तब हम पानी पीते हैं। वहां का किसान सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करने वाला, आत्महत्या करने वाला सबसे ज्यादा किसान लातूर में है। उस जिले से भाई साहब मैं आया हूँ आपके लिए, आपको मिलने के लिए। 3 हफ्ते हो गए साहब हम इधर ही है। 15 दिन हम सिंगूर, हम गाजीपुर बॉर्डर पे थे, आज गाजीपुर बॉर्डर से आपको मिलने यहाँ पे आया है सब। सब मैं किसानों के लिए 25 साल से काम करता हूँ। मैंने अपना घर और जमीन बेच के किसानों के लिए काम किया है। किसानों के जानवरों, किसानों को गाय के, किसानों के भैंस के लिए मैं काम करता हूँ। आप जो लोग लड़ रहे हैं ना, लोग क्या कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं कि बाहर से पैसा आया है। मोदी जी, बाहर से पैसा किसानों ने, मेरे दोस्त ने दिया है, किसी आतंकवादी ने पैसा हमको नहीं दिया है, किसी दूसरे आदमी ने पैसा नहीं दिया है। आप लोग क्यों नहीं पूछते कि मोदी जी पीएम केयर में से पैसा बाहर से कहां से आया, उसका हिसाब दो। आप उसका हिसाब क्यों नहीं देते। 4 दिन पहले लंदन की पार्लियामेंट में हमारी चर्चा हो गई है। ये आंदोलन चल रहा है, बहुत अच्छा आंदोलन है। आप उसको बुरा कहते हैं। अमेरिका का पागल ट्रंप यहां आके तुमको अच्छा कहता है, वो क्यों तुमको चलता है। और भाई, हमारा अगर बाहर के हमारे आंदोलन को सपोर्ट करता है, उसका क्यों आप बुरा मानते हो। इसलिए भाइयों, आप घबराओ मत, पूरे देश के किसान आपके साथ कंधे से कंधा लड़ने के लिए तैयार है। भले आंदोलन कितना भी दिन चलने दो, कितना भी दिन आंदोलन चलने दो, आप, हम तुम्हारे साथ है। आपके लिए एक शेर बोलता हूं, अभी शेर चलेगा ना, आप तो सब शेर है ना, तो शेरों के लिए शेर बोलना चाहिए। हमारे किसान कहते हैं, आंधी और तूफानों आओ मेरी बारात बनकर। क्या कहते हैं, यहां जो लोग बैठे हैं ना, ये कहते हैं, आंधी और तूफानों आओ मेरी बारात बनकर। हम कहते हैं, मत घबराओ मेरे साथियों, मत घबराओ मेरे साथियों, पूरा देश खड़ा है तुम्हारे पीछे हिमालय बनकर। पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, पूरे दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है, हम भी तुम्हारे साथ है। आप पीछे हटना नहीं है। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसी भी हालत में आप डटे रहो, हम तुम्हारे साथ है। अब थक गए तो बोलो, हम आते महाराष्ट्र से 2000 किसान लेके और हम आपके लिए काम करते हैं। हमारी महिला, हमारी बहनें, हमारी माएं यहां पे खड़ी है। ये तो देखो मोदी जी, देखो, कोई कुछ कहे ना कहे, कुछ कोई करे ना करे, लेकिन शाह का और मोदी को इनके बद्दुआ है तो जरूर लगने वाली है, जरूर लगने वाली है। वो देख रहा है ऊपर से, वो देख रहा है ऊपर से कि 100 दिन से ज्यादा हो गए मेरे भाई किसान यहाँ पे बैठे हैं, तो इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे प्रार्थना करना है। सबके साथ तो मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आपको सबको फिर एक बार आपको प्रणाम। अपने देश के वास्ते इतना किया है, इतना सब कुछ किया है कि हम हमारे साथ है। फिर से जोर से एक बार बोलना, भारत, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। फिर आप जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान। थैंक यू।